प्यारिया पुनीत है आगमन ओ शांति रा खुशी की रा हमारी रात आई है ओ प्यारिया ओ न्यारिया पुनीत है आगमन ओ शांति रा खुशी की रा हमारी रात आई है ओहो बेतलहम में आज इसका जन्म हुआ हम करें शांति दूत के लिए दुआ बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के नाएगी दोबारा ऐसी रात ओहो न्यारी रात ओहो न्यारी रात पुनीत है आगमन ओहो शांति रात खुशी की रात हमारी रात आई है ओहो जो सितारा आसमान पे चमक रहा वो प्रभु के दिव्य ज्योति से दमक रहा यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम नाएगी दोबारा ऐसी रात ओ न्यारी रात ओ न्यारी रात पुनीत है आगमन ओहो शांति रात खुशी की रात हमारी रात आई है ओहो न्यारी रात ओहो न्यारी रात पुनीत है आगमन ओहो शांति रात खुशी की रात हमारी रात आई है ओहो शांति रात खुशी की रात हमारी रात आई है शांति रात खुशी की रात हमारी रात आई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का ये पर्व हम मना रहे हैं और इस महापर्व पर हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे पूज्य बिशप यूजिन जोसेफ जी हैं, जो हमारे वाराणसी धर्म प्रांत के धर्माचार्य हैं, महागडेरिया हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं स्वामी जी, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए ईश्वर से आशीषें प्राप्त करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह क्षण पवित्र है, पुण्य है। यह क्षण हमारे लिए आनंद का स्रोत है। यह क्षण हमें शांति देने वाला क्षण है और यह क्षण ईश्वर की योजना से, परमेश्वर की योजना से ठहराया हुआ क्षण है। इसी क्षण हम स्मरण करते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म का। अंधकार में भटकने वालों के लिए एक ज्योति चमकी है। जो गुलाम थे वह स्वतंत्र हो गए, जो बंधन में थे वो समाधान पाकर, शांति पाकर आजाद हो गए। जो कष्ट, संकट, दुख में थे वो आनंद मनाने के लिए एक कारण, एक आदर्श पाए हैं। वो है प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म, मुक्तिदाता का जन्म। हमारे लिए प्रकाश उदित हुआ है, एक तारा हमारे रास्ते में चमका है और हमारे रास्ते को प्रकाशित कर रहा है और हमारे जीवन पथ को हमारे लिए खोल रखा है। हम निर्भय होकर
शांति के साथ, आश्वासन के साथ हमारे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं जब हम आगमन काल में प्रवेश किए, इस पवित्र क्षण के तैयारी के लिए हम कष्ट से पीड़ित थे, कष्ट से, संकट से, दुख से गुजर रहे थे। ये महामारी का भयंकर दबाव हम पर था भोज की तरह, फिर भी हम आगमन काल में प्रवेश कर इस यात्रा को प्रारंभ किया। आज हम उस पड़ाव पे है, उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां हम जिस तारे को खोज रहे थे, जिस ज्योति को चाह रहे थे, वो चमक रहा है, हमारे जीवन में प्रकाश डाल रहा है, हमारे जीवन के अंधेरे को मिटा रहा है। यह हमारा विश्वास है। इस विश्वास को घोषित करने और इस विश्वास को मनाने के लिए सारी कलीसिया के साथ, सारे विश्व के साथ, सारी सृष्टि के साथ हम यहाँ पर एकत्रित हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं, ईश्वर की ओर से आशीर्वाद मांगते हैं। जो बालक उस तुच्छ चरणी में जन्मा, उस दीन गौशाले में जगह पाया अपने जीवन के लिए और अपने जीवन द्वारा संसार को मुक्ति देने के लिए, वो हमें आशीष दें, वो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाएं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, चाहे महामारी हो या आर्थिक दंग हो या किसी भी प्रकार का जो बाधा हो, उसे दूर करें। किसी भी जीव का जन्म से सबको ही खुश हो जाता है, मुक्तिदाता का जन्म से सारी सृष्टि आनंदित है, सारी सृष्टि खुशी का गीत गा रहा है। हम भी सृष्टि के साथ मिलजुल जाएं, आनंद का गीत गाएं, उसे धन्यवाद दें इस प्रकाश के लिए, उसे धन्यवाद दें इस ज्योति के लिए, उसे धन्यवाद दें इस तारे को हमारे डगर के सामने प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद देते हुए, आनंद मनाते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें, इस विश्वास के साथ कि अब अंधेरा नहीं होगा, अब कष्ट और कोई भी विरोधात्मक तत्व हमारे जीवन में बाधा नहीं डालेगा, बशर्ते हम विश्वास के साथ इस उदित तारे को, तारे की ओर देखें, इस बालक की ओर देखें, इस ईश्वर की ओर देखें, इस मुक्तिदाता की ओर नजर लगाएं, अपने जीवन को केंद्रित करें। वह हमें हमेशा प्रकाश के पथ पर ले चलेगा, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में आनंद, जैसे पौलुस कहते हैं कृपा का जीवन होगा, अभी हमारा जीवन कृपा पूर्ण रहेगा। क्यों? पाप मिट गया, अंधेरा दूर हो गया, कष्ट नष्ट कर दिया गया, आदि इत्यादि। आइए मौन रहे, इस विश्वास को इस वेदी के सामने रखें, इस वेदी पर अर्पित करें, हमारा विश्वास पवित्र हो जाए। यह रात्र पुण्य है, पवित्र है, इसके द्वारा और इस रात में उदित ये तारे के द्वारा, इस रात में जो प्रकाशित ज्योति के द्वारा हमारा पाप मिट जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारे दिल के अंधेरे भगा दिए जाए, हमारे दिल में रोशनी चमके। आइए हम मौन रहकर अपने आप को तैयार करें इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभुवर हम पर दया करो,
करो प्रभु दया करो। पापी द्वार खड़े दूर कर दो पाप हमारे, हम पापी द्वार खड़े दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे प्रभु वर हम पर दया करो प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं, यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र हैं तेरा गुण सब गाते हैं, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती है, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें, ए ईश्वर तूने इस परम पावन रात्रि की सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है, हमने इस प्रकाश का रहस्य पूर्ण अर्थ इस पृथ्वी पर जान लिया, हमें स्वर्ग में इसके आनंद का सौभाग्य भी प्रदान हो, यह हमारी करबद्ध प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, मनुष्य अंधकार में थे और पाप के दास थे, मसीह के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ,
मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1-7 तक। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांटते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्तरंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, राजाधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय, धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह सब कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बेतलेहम के गोशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेतलेहम के गोशाले में राजा यीशु जन्म लिए। आओ दर्शन कर लो, आओ लोगो दर्शन कर लो। कैसी अद्भुत चमक है देखो, हुआ प्रकाशित गौशाला, हुआ प्रकाशित गोशाला। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे बालक को पाला, ऐसे बालक को पाला। आओ वंदना करें मिलके बेतलेहम के गोशाले में राजा यीशु जन्म लिए। बेतलेहम के गोशाले में राजा यीशु पाठ। मसीह इसलिए आए
कि वह मनुष्यों के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 से 14 तक। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रिय वर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जन्मा जन्मा येशु राजा जन्मा, जन्मा जन्मा येशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में येशु राजा जन्मा, दाऊद नगर के बेथलेहम में येशु राजा जन्मा। जन्मा जन्मा येशु राजा जन्मा, जन्मा जन्मा येशु राजा जन्मा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ।
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पवित्र रात्रि में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की रात को हम पवित्र रात्रि कहते हैं। सदियों से बहुत सुंदर गीत गाया जाता था, अंग्रेजी में होली नाइट, लतीन में दूसरा कुछ, और अभी मुझे याद है कई वर्षों पहले हम लोग हिंदी में गाया करते थे, शुभ्र शांत शुचि नीरव निर्मल पुण्य पावनी रात है। आज की रात महान कृपापूर्ण रात है, सबसे महान कृपा की रात, जब ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, जब संसार ने एक मुक्तिदाता प्राप्त किया, ऐसी महान रात। लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि इस रात को जिस व्यक्ति ने संभव किया वो व्यक्ति है मां मरियम। मरियम ने यीशु को सबसे पहले अपने में जन्म लेने दिया, और इसीलिए आज हम उस पवित्र मां का नमन करेंगे। जिस तरह स्वर्गदूत गैब्रियल ने कहा, हम भी कहेंगे प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और जिस तरह एलिजाबेथ ने कहा मां मरियम से, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। सचमुच मां मरियम हमारे लिए मुक्ति का एक महान माध्यम बनी। मुक्तिदाता को संसार में लाने के लिए माता मरियम ने पूर्ण सहयोग दिया, इसके लिए हमें इस रात के समय उनको याद करना जरूरी है। इतने महान मुक्तिदाता के लिए उस माँ को, उस नारी को धन्यवाद देना जरूरी है, उनको धन्यवाद है, नमन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हालांकि 4 सुसमाचार हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विवरण वर्णन लूकस के सुसमाचार में है, उसके बाद मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में कोई खास इसका विवरण नहीं है। यौहन के सुसमाचार में यौहन ने परोक्ष रूप से विवरण दिया है, इस प्रकार कहते हुए यौहन अध्याय 1:14 में संत यौहन कहते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। तो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में लूकस और मत्ती के सुसमाचार में बहुत सुंदर वर्णन है, विशेष करके लूकस के सुसमाचार में। आज की रात अनुग्रह की रात है और आशीष की रात है और आनंद की रात है। प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए आनंद का विषय है, यही कारण है हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2:11 में, जब पहली बार प्रभु के जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने गडेरियों को संदेश सुनाया, तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि हम आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। और ये आनंद का संदेश क्या है? दाऊद के नगर में बेतलहम में आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, यही आनंद का विषय है, यही आनंद का कारण है कि आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का आगमन हुआ है। यह मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़े आनंद का विषय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं इस संसार में हर मनुष्य एक मुक्तिदाता के इंतजार में है। 2000 वर्ष पहले जब पहली बार पेत्रुस के भाई अंद्रेस यीशु से मिला, उसके बाद सीधे पेत्रुस के पास आकर क्या कहा आपको मालूम? उन्होंने कहा, हमने मसीहा को पाया है, हमने मुक्तिदाता को पाया है। यानी आप उसके पीछे उसका भाव समझ सकते हैं कि वे एक मुक्तिदाता के इंतजार में और प्रतीक्षा में थे, और वो कहते हैं हमने मुक्तिदाता को पाया है। उसी प्रकार फिलिप जाकर अपने मित्र नथनेल से कहते हैं कि हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं।
हर मनुष्य आज एक मुक्तिदाता के इंतजार में है। आपके अगल बगल में जो हैं एक मुक्तिदाता के इंतजार में हैं। पाप, रोग, शाप, बंधन से छुटकारे के लिए हर इंसान आज तड़प रहा है, रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। सच्चाई है, पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से मैं ये सुसमाचार का कार्य कर रहा हूं और मैंने देखा है हजारों की संख्या में लोग अपने हृदय के दर्द को बताना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को बताना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी वे एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में, इंतजार में है या खोज में है। धर्म को हटाइए, हर धर्म में, हर जात बिरादरी में, हर देश राष्ट्र में इंसान आज एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा और इंतजार और खोज में है। कहां मिलेगा? यही आनंद का विषय है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता का आगमन हुआ है, एक मुक्तिदाता आया है। बोलिए हालेलुया। सवाल ये खड़ा होता है, अगर 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु हमारे लिए मुक्ति लाए हैं और मुक्तिदाता बनकर आए हैं, तो उस मुक्ति को हम कैसे ग्रहण करें? हमें प्रेरित चरित की अध्याय 16 वाक्य 31 में पढ़ने को मिलता है। वहां पे बताया गया है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। बहुत जबरदस्त वचन है, इसको बार बार दोहराना। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह में विश्वास करना। यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर संसार में आए, वे मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, करते आए हैं, और उनकी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनमें विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह को अपनाना, यीशु मसीह को अपने जीवन का और परिवार का केंद्र बनाना। मैं अक्सर ये पूछा करता हूं, प्रभु तूने क्यों चाहा कि हम लोग विश्वास करें? लोग पैसा देने को तैयार हैं, यज्ञ कराने को तैयार हैं, पूजा कराने को तैयार हैं, तू क्यों चाहता है कि हम विश्वास दें? तो प्रभु ने कहा, बेटा पैसा देना आसान है, यज्ञ कराना आसान है, प्रार्थना कराना आसान है, विश्वास करना बहुत कठिन है। विश्वास करने के लिए अपने अंतरतम से उसको हाँ कहना पड़ता है। विश्वास करने के लिए उनके सामने अपनी बुद्धि को न्योछावर करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। विश्वास करने के लिए उसकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होता है। विश्वास करने के लिए उसको मानना और केंद्र बनाना होता है। ये कठिन होता है, इसीलिए लोग पैसा देने को तैयार हैं और कुछ भी कराने को तैयार है। विश्वास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि विश्वास के द्वारा हम यीशु की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र की अध्याय 3 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि सा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए मुक्ति का जो कार्य किया है, उस कार्य का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम विश्वास करने लगते हैं, यीशु में विश्वास करने लगते हैं। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। बहुत जबरदस्त वचन है। जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान वरदान है। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे संजीवन जल दे देता। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर का वरदान है। 2000 वर्ष पहले
यीशु रूपी वरदान संसार को दिया गया। और यौहन कहता है जितनों ने उसे अपनाया, अधिकतर लोगों ने उनको ठुकराया है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। पिछले 25-30 वर्षों से मैं इस आश्रम में सुसमाचार की घोषणा करता हूं। वास्तव में हर क्रिसमस की रात को, 24 रात को हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत एक अनोखा नजारा है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और वे भी हर धर्म के, तंबुओं के नीचे बैठते हैं, नीचे पुआल बिछा हुआ रहता है हजारों की संख्या में। लेकिन इस साल उस तरह का समारोह कहीं भी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं उसको। तो पिछले 25 साल से मैं यहां पे कार्य कर रहा हूं, 25-30 वर्षों से मैंने देखा है कि कैसे लोग किस परिस्थिति में आए, दुख दर्द पीड़ाएं लेकर आए। कुछ लोगों को उठाकर लाया गया, कुछ लोगों को बांध कर लाया गया, और कैसे वे यहां पर आने के बाद, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। देखिए, इस बात का ख्याल करना, इस दुनिया में बहुत सारे संत महापुरुष आए हैं और उन्होंने ईश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, मुक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। हम उनका नमन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ही संसार में मुक्ति दाता बनकर आए हैं। यानी प्रभु यीशु हमें सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि ये करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बल्कि प्रभु यीशु स्वयं मुक्ति दाता बनकर आए हैं। मेरी आंखों के सामने इसी आश्रम में सैकड़ों शराबियों ने शराब छोड़ा है, बंधनों से लोग आजाद हो गए हैं, वासना से, बुरी आदतों से। यीशु हमें सिर्फ मुक्ति के बारे में बताने नहीं आए, बल्कि मुक्ति देने आए हैं। और जो भी यीशु के पास आता है और यीशु में विश्वास करता है, यीशु के वचनों पर विश्वास करता है, यीशु को अपनाता है, यीशु को मानता है, यीशु को जीवन के केंद्र बिंदु बनाता है, उसके जीवन में मुक्ति आ जाती है। देखिए रोमियों के पत्र में संत पौलुस क्या लिखते हैं, अध्याय 3 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा, यह मुक्ति उन सब के लिए है जो विश्वास करते हैं। जो भी यीशु में विश्वास करता है उसको यह मुक्ति मिलेगी, चाहे वो किसी भी बिरादरी, धर्म, देश, राष्ट्र का क्यों ना हो। जो भी यीशु में विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलेगी। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में मुक्ति लाए और हम यीशु मसीह में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है, यौहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में वापस जाता हूं मैं, वहां लिखा हुआ है जितनों ने उसे अपनाया। यीशु को अपनाना, यीशु मेरे लिए आए, यीशु हमारे लिए आए। और जितनों ने उसके नाम में विश्वास किया, यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है, शक्तिशाली नाम है। यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर पिता से मांगो। नाम, शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु में विश्वास करने लगते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाने लगते हैं, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजीब स्वतंत्रता आ जाएगी। ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगेगी, एक गहरा रिश्ता जोड़ने लगेगी। आप महसूस करने लगेंगे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। आपको स्वतंत्र कर देगा प्रभु यीशु। इस संसार में हमें स्वतंत्र करने आए हैं, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। उसके लिए हमें उनको स्वीकार करना है, उन पर विश्वास करना है, उनको अपनाना है। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गाया स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है,
पीस टू पीपल ऑफ गुडविल, यानी अच्छी भली इच्छा रखने वालों को शांति मिले। प्रभु येसु के जन्म के द्वारा शांति की घोषणा की गई है, प्रभु येसु के जन्म के समय शांति की घोषणा की गई है, लेकिन ये शांति उनको मिलेगी जिनकी इच्छा भली हो, जिनका हृदय और मन और आत्मा ईश्वर के लिए खुला हो, एक दूसरे के लिए खुला हो। हम किसी भी धर्म के क्यों ना हों, हम कोई भी मत के क्यों ना हों, हम कोई भी पूजा पाठ क्यों ना करते हों, अगर हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है, हमारा हृदय खुला नहीं है, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति वो पवित्र प्रेम और पवित्र खुलापन नहीं है, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति वो पवित्र खुलापन नहीं है, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती है। शांति उनको मिलती है जिनका हृदय अच्छा है, जो भली इच्छा रखने वाले हैं। तो आज रात को हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे इरादों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे अंतरतम को शुद्ध कीजिए। मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है, हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, यानी यहाँ पर धार्मिक लोग ज़्यादा हैं अन्य देशों की तुलना में। कई देशों ने धर्मों को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे देश में आज भी लोग धर्म को मानते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतने धर्मों को मानने वाले धार्मिक लोग रहने देते हैं, उस देश में कितना अधर्म होता है। क्या कारण है? हमारी इच्छाएं भली नहीं है, हमारे अंदर कपट है, छल है। प्रभु येसु के द्वारा संसार के लिए जो शांति की घोषणा की गई उनके जन्म के समय, वो शांति उनको ही प्राप्त हो सकती है जो भली इच्छा रखने वाले हों, जिनका मन खुला है, जिनका हृदय खुला है, जिनके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूँ कि आज आनंद की रात है, हम लोग आनंद मनाएंगे इसलिए कि हमें एक मुक्तिदाता मिले हैं, एक ऐसा मुक्तिदाता जिसने हमारे लिए सारे बंधन खोल दिया है, हमारे लिए जीने का एक नया रास्ता खोल दिया है, हमें भटकने से बचाया है। देखिए प्रभु येसु क्या कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु येसु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमें जीवन की ज्योति मिली है, अंतर ज्योति बहिर्ज्योति, जीने के लिए अंदर से भी ज्योति मिली है, बाहर से भी ज्योति मिली है। ऐसे महान उस सूरज, उस प्रकाश के जन्म का हम लोग पर्व मना रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की रात के लिए, और आज रात को हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु येसु मुझे तुझ पर विश्वास करने की कृपा देना, तुझे ग्रहण करने की कृपा देना, तुझे अपने जीवन का सब कुछ मानने की कृपा देना, और मैं तेरे द्वारा लाई गई उस मुक्ति का एहसास करना चाहता हूँ। आप सभी को क्रिसमस यानी क्रिस जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। प्रेरितों का धर्मसार कहकर अपने विश्वास को घोषित करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के जननार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बोस में उतरा, तीसरे दिन मृतों को जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के ध्यान और विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। प्यारे भाई बहनों, बेतलहम के बालक येसु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु येसु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करते हैं। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु येसु इस शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और पुरोहितगण तथा सब विश्वासी ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण होकर मुक्ति का संदेश सबको सुनाएं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और हमारे नेता न्याय और शांति के मार्ग पर चलें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त जयंती की कृपा से रोगियों को दिलासा, गरीबों को सहायता और पापियों को पश्चाताप का वरदान मिले। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियां प्रभु येसु के समान विनीत और आज्ञाकारी बने और हर परिवार में ख्रिस्त की शांति बनी रहे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। ये वरदे इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाऊं भेंट क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। यूं तो है चरनी में वह बेसहारा, या क्रूस पर वह जमाने का मारा। क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। लाया हूँ अपना दिल, अपना दिल। 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 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस पुण्य पर्व का चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारा मानव स्वभाव तुझसे संयुक्त कर लिया है। इस पवित्र आदान प्रदान के फलस्वरूप हम अपने प्रभु येसु के सदृश बन जाएं। ऐसा वरदे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। क्योंकि जब उन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से उज्ज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर
तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा के की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन, प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वह जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन, प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। इसलिए ए परम दयालु पिता, तेरा गुणगान करते हुए तेरे पुत्र प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। यह उपहार, यह निर्मल बलि ग्रहण करके इसे स्वीकार कर, इसे हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक और उन सब धर्माधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं जो कैथोलिक और प्रेरितिक धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा के सुधि ले, विशेष करके हम सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारा विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस रात का पावन उत्सव मना रहे हैं जब धन्य कुमारी मरियम ने संसार के लिए मुक्तिदाता को जन्म दिया था। हम उन्हीं ईश माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर्षंत योसेफ का, पेत्रुस और पौलुस, अंधेरियस, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थोलोमी, मती, सिमोन और तद्दियुस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। ए प्रभु, इस चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करती है। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों के संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को ए ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्हें तुझे अपनी सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, तब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। ए प्रभु, यह आज्ञा मानकर हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। ए परम महिमामय ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम ये पवित्र और निर्मल बलि अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्मपूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मलकीसदेक का याग स्वीकार किया था, वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर। ए सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरा पवित्र दूत यह बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, इन लोगों की सुधि ले। जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं, इन्हें और उन सब को भी जो ख्रिस्त में विश्राम करते हैं, आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अचल भरोसा रखते हुए हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्तेपनुस, मत्तियस, बरनबस, अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप का लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप का लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप का लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंकी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। तू जो चरनी में आया, तुझे पाने को आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया, आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा, मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। मानो टूटा साज है, प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आ जा। सही तुझे पाए को आ मुझ में समा जा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम अपने त्राणकर्ता की जयंती सानंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम ऐसा आचरण करें कि एक दिन स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदाले, प्रभु का शांति और प्रेम आप में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। बेतलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे ओ, बेतलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। आहा चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। खुशी के साथ आप लोग भी ताल से ताल मिलाकर के गाएंगे। राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से, राजा सब घबरा ही गए थे यीशु के आने से। आ द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता न रे। यीशु राजा आया, यीशु राजा आया, यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। झूम करके झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। सब लोग मस्ती में खुशी के साथ तालियां बजाते हुए आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ओ ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। सब लोग खड़े होकर के, कोई बैठा नहीं रहेगा, सब लोग खड़े होकर के झूमते हुए
तालियां बजाते हुए झूमो नाचो खुशी से आ यीशु पैदा हुआ। 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 क्रिसमस की इस आनंद भरी रात में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम याद करते हैं इसायास नबी की वो भविष्यवाणी। उनके ग्रंथ के 7वें अध्याय के 14वें पद पर लिखा है, इसायास नबी भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वो यह है, एक कुमारी गर्भवती है, वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है आज की रात। और इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ, इस सच्चाई का अनुभव करते हुए और इस खुशी को उजागर करते हुए रिवाइवल चर्चेस ऑफ इंडिया के साथी लोग आपको एक कैरल सुनाएंगे। आज का दिन शुभ दिन, आज की रात शुभ रात। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम शुरू प्यार के मसीहा की बात।
इस खुशी को उजागर कर रहे हैं जीवित आशा गायक मंडली के द्वारा गीत भोजपुरी भाषा में आइले हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक की माता झूम के आइला हो यीशु जी, ओ हाय आइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के आइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के आइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक की माता सियास अपने ग्रंथ के 11वें अध्याय में पहले पद पर लिखते हैं, इशिया के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। तो
प्रज्ञा बुद्धि ईश्वर की भक्ति और सुमति और धैर्य लेकर प्रभु यीशु जन्म लिए हैं और उनके समान में हमारे साथी जूलियन जॉर्डन गा रहे हैं मेरा मसीह मेरा रब चरनी में आया है। मेरा मसीह मेरा रब चरनी में आया है। मेरा मसीह मेरा रब चरनी में आया है। हम पापी थे अंधेरे में, हम पापी थे अंधेरे में, नई रोशनी लाया है। मेरा मसीह मेरा रब चरनी में आया है। मेरा मसीह मेरा रब चरनी में आया है। मेरा रब
फरिश्तों ने जमी के लोगों को आया जहां पे खुदा इंसान बन के ये गीत लेकर आ रहे हैं एशियन सहयोगी संस्था के साथियों द्वारा। यीशु हमारे दिल में जन्म लेगा तब हमारे दिल में खुशियां आएगी, हमारे परिवार के दरवाजे हम उनके लिए खोलेंगे और समाज के दरवाजे हम उनके लिए खोलेंगे तो परिवार में समाज में परिवर्तन आएगा। इसायास नबी के 11वें अध्याय के 5 से 6वें पद तक हम पढ़ते हैं यह भविष्यवाणी, वो न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ रहेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। ये अभूतपूर्व अद्भुतपूर्ण चमत्कार, ये मेल मिलाप और संगम और मिलन यीशु कराएंगे और इसीलिए आपके लिए गीत है, जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, जन्म लियो, गा रहे हैं विजेता प्रेयर मिनिस्ट्रीज के साथी लोग। जन्म लियो
सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो, पालनहारे तारणहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, पालनहारे तारणहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, जन्म लियो जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। की रात जो उत्सव हम मना रहे हैं, क्रिसमस का उत्सव, इस घटना से बहुत सदियों पहले मीका नबी ने भविष्यवाणी दी, ए बतलहेम, हे एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इसराइल का शासन करेगा वो मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उस छोटे से अनजान बतलहेम गांव में यीशु का जन्म होता है और उस गांव में एक तारा दिखाई देता है आसमान पर। इस तारे के महिमा में प्रेरणा कलामंच के साथी गीत गा रहे हैं, भैया हो उगल गगन में तारा। भैया हो उगल गगन में तारा, 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 भैया हो उगल गगन में तारा। देखली जाय संतरैया, बटे कुछ के निशान, भैया हो उगल गगन में तारा, भैया हो उगल गगन में तारा। मुक्ति दाता आइला,
मीका नबी आगे ये भविष्यवाणी करते हैं, वो उठ खड़ा हो जाएगा, वो प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। तो झुंड चराने वाले उस चरवाहे के सम्मान में विश्व ज्योति गुरुकुल के साथी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ये कैरल गीत, झूमती है जिंदगी। हर गुनाहगार का आओ इस दोस्त का
जिंदगी में दे जगह, झूमती है जिंदगी झूमती कली कली झूमती है जिंदगी झूमती कली कली आज आया है मसीह शोर है गली गली आज आया है मसीह शोर है गली गली मुक्तिदाता यीशु की आइए हम वंदना करें उसकी आराधना करें उपासना करें उन्हें अपना सर्वस्व दें। इसके लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट की बहनें अपने गीत के द्वारा वंदना करें अर्चना करें। वंदना करें अर्चना करें वंदना करें अर्चना करें अपने नन्हे परमेश्वर के गोशाले में जन्मे प्रभु के नन्हे प्यारे बालेश्वर के वंदना अपने नन्हे